और यहाँ से आप गढ़ का नज़ारा देख सकते हो गाइस, पूरा उधर मंदिर के पीछे तक है, इधर है पूरा, इधर से जाओ। और ये है गाइस देख सकते हो खैरा मार्केट। हेलो वेलकम बैक माय न्यू अदर ब्लॉग। तो गाइस आज आपका भाई फिर से आ चुका है एक नए अंदाज में, एक नया और प्यारा ब्लॉग लेकर, और इस ब्लॉग में काफी मजा आने वाला है। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, चलो मजा की बात साइड में। आज हम लोग जहाँ भी जाने वाले हैं गाइस आप लोगों को पता चल जाने वाला है, वीडियो में एंड तक वॉच करना। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने भाई को सपोर्ट नहीं किया, यानी कि मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी करो, ताकि वो भी सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर पाए और हमारी वीडियो का इंजॉय ले पाए। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं कि हम लोग जाने वाले हैं कहाँ। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं शुभम के घर पे और यहाँ से उसको लेते हैं, उसके बाद चलते हैं जहाँ हम लोग का जाने का प्रोग्राम है। सो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जाने वाले कहाँ, मैं बताऊँगा। देख सकते हो गाइस हमारे शुभम भाई और उधर एक सिद्धार्थ भाई, तो चलिए निकलते हैं। तो गाइस हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं और देख सकते हो तो हो गया एक गाइस दिक्कत, क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकले और आ चुका है बारिश, तो यहाँ साइड में खड़ा है। तो अभी हम लोग का प्रोग्राम है गाइस पहले निकलने का खैरा, खैरा के बाद हम लोग जाएंगे आगे। तो आप लोग देखिएगा, आप दिखाएंगे, मैं जहाँ भी जाऊँगा। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इस ब्लॉग में काफ़ी मजा आने वाला है, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहना। तो निकलते हैं। तो गाइस बारिश थोड़ा सा धीमा हुआ है और हम लोग निकल चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ जम्मू का ट्रैफिक और रोड। लेकिन गाइस एक चीज़ आप गौर करना, व्यू काफ़ी मस्त है, काफ़ी तगड़ा है। सो व्यू का मजा लो आप लोग और इन्जॉय करो। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो आप, बारिश का नज़ारा उधर पहाड़ पे, पूरा बारिश हो रहा है उधर पहाड़ के तरफ गाइस, और हम लोग उधर ही जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, ब्लॉग में बने रहो, क्या होता है बारिश में हम लोग फंसते हैं या फिर नहीं। चलिए चलते हैं। चीज़ का डर था वही हुआ, हम लोग फिर से बारिश में फंस चुके हैं। खैर हम गाइस तो अभी यहाँ से देखते क्या होता है। और हमारे देख सकते हो गाइस हिल्लो रानी जिसे कि हम लोग आए हैं, और बारिश देखो आप लोग गाइस, बारिश दिख रहा है आप लोगों को गाइस, दिख रहा होगा आप लोगों को, पूरा तेज बारिश आ चुका है यहाँ। और अभी हम लोग खैरा मार्केट के अंदर में है, तो देखते हैं कब तक छूटता है बारिश और कब तक हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ खैरा के किले के अंदर, आप लोग देख सकते हो पीछे कितना ऊंचा है और पूरा देख सकते हो आप लोग गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई जो ये आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पहले पूरा महल था, अभी पूरा खंडर हो चुका है। और आप लोग इसकी हालत देख सकते हो कितनी गंभीर है, और इधर भी है एक। गाइज ये देख सकते हो आप, ये है जिसमें कि राजा रहते थे, और वो जो आप लोग देख रहे हो सामने उसमें रानी। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये जो मंदिर है बेलभरनी मंदिर, जो कि ये किला के अंदर ही अभी बन रहा है, आप लोग देख सकते हो जैसा कि, और वो रहा किला का मेन गेट। और अभी हम लोग जा रहे हैं इधर, तो आप लोग बने रहिए और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ मस्त सा सीन और व्यू। देख सकते हैं गाइस पूरा साफ सफाई चल रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है इसके कारण से। इधर आप लोग देख सकते हैं पूरा साफ सफाई चल रहा है।
सो गाइज अभी हम लोग जाने वाले हैं इस किले के अंदर, तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कुछ और बताते हैं इस किले के बारे में। सो आप लोग देख सकते हो ये है पूरा किला और ये है ये इसका नाम क्या है रानी तालाब। तो चलिए आपको दिखाते हैं इधर भी, ये है रानी तालाब। सो गाइज रानी तालाब है तो जाहिर सी बात है कि इसमें रानी नहाती होगी, स्नान करती होगी। और ये आप लोग देख सकते हो सो पूरा यानी कि क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरा यानी कि टूट चुका है गाइज ये महल पूरा। और ये गाइज खैरा में, अगर आप लोग कभी इधर आओ जम्मू से देवघर की, अगर आप लोग जम्मू होते हुए अगर कभी देवघर जा रहे हो गाइज, तो देवघर जाते समय जम्मू के बाद ही पड़ता है खैरा, एक छोटा सा मार्केट है गाइज खैरा, उसी वहीं स्थित है ये खंडर। अगर आप लोग कभी भी देवघर जाओ तो आके एक बार चेक जरूर करो, अगर खुला हुआ रहता है गाइस तो आके आप लोग घूम सकते हो, मस्त जगह है पूरा। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, आप लोग देख सकते हो गाइस पहले के ज़माने में भी घरों में डिज़ाइन हुआ करता था, आप लोग देख सकते हो उधर से वो, फिर ये पिलर के पास, ये वाला पिलर के पास। गाइज देख सकते हो आपके लिए रिस्क उठा के इस खंडर के अंदर हम लोग आए हैं। और इधर देख सकते हो गाइज चूल्हा जिसमें कि खाना बनता था राजा और रानी के लिए। और आप लोग देख सकते हो इधर पूरा ये घर कितना डरावना लग रहा है। सो अगर आप लोग गाइज कभी भी देवघर जम्मू से देवघर की ओर अगर विजिट करते हो तो एक बार जरूर यहाँ आना खैरा। गाइज देखो इधर डिजाइन देखो कितना यानी कि पुराने समय का, कितना साल पुराना ये महल है। और देख सकते हो आप डिजाइन एकदम पूरा महल में डिजाइन दिया हुआ है गाइज, आप लोग देख सकते हो। और पहले के जमाने में देखो गाइज आप लोगों को कैसा सीमेंट देखने को मिलता था, मिट्टी की तरह सीमेंट आप लोगों को पहले के जो जमाने था मिट्टी की तरह सीमेंट लगता था गाइज पूरा देखने में। और ये चूल्हा, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। गाइस पिलर देखो यहाँ कितने सारा पिलर है, कितना सारा आप लोग देख सकते हो, इधर है पूरा यानी कि जो टूट के गिरा गाइस उससे गिरा है पूरा पिलर टूट के। और ये कितना साल लगभग पुराना ये गाइड, तब पर भी कितना 100 साल 150 साल 200 साल से आप समझ सकते हो गाइस 200 साल पुराना किला है। और आप लोग देखो इधर गाइस पिलर में देखो लिखा हुआ भी है कुछ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा साफ से, उधर को देखो आप लोग। सो चलिए निकलते हैं यहाँ से अभी हम लोग। यो भाई रॉन्ग साइड आ गए हम। सो गाइज और एक चीज़, हाँ अभी बाहर नपाई चल रहा था तो हम लोग को लगा कि ये गढ़ दिखने वाला, लेकिन नहीं। और आप लोगों को ये गढ़ का मैं प्राइस बता देना चाहता हूँ, यानी कि हम लोग के अनुमान से कम इस गढ़ का जो प्राइस है गाइज वो मिनिमम या मैक्सिमम लगभग कितना 100 करोड़ के आसपास मैक्सिमम होगा गाइज, 100 करोड़ समझ सकते। इसमें एक आराम से एक
फैक्ट्री यानी कि कंपनी लगाया जा सकता है गाइस ये घर। और अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं घर के छत पे, और यहाँ से आप घर का नज़ारा देख सकते हो गाइस पूरा। उधर मंदिर के पीछे तक है, इधर है पूरा, इधर से जा। और ये है गाइस देख सकते हो खैरा मार्केट। और अभी हम लोग इधर गाइस अभी हम लोग गेट के छत पे आए हुए हैं जिधर से हम लोग इन किए थे उधर। और मेरे पीछे का नज़ारा आप लोग देख सकते हो गाइस पूरा मस्त एकदम। और ये आप लोग देख सकते हो ये दुर्गा जी का मंदिर, जो कि जिसके कारण अभी अंदर में साफ सफाई चल रहा है क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है, तो इधर भी पूरा डेकोरेट होगा। और ये जो फील्ड है इसी में होता है दुर्गा पूजा, इधर पूरा ये सब पूरा एकदम। दुर्गा पूजा के समय भी हम लोग आएंगे यहाँ और आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना मस्त सजा हुआ रहता है और कितना मस्त लगता है यहाँ का दुर्गा पूजा देखने में। Close till I get up. Time is barely on our side. अब देखो गाइस जहाँ पे हम लोग थे जिस छत पे, इसी छत पे हम लोग थे, अब इससे नीचे आए हैं और देख सकते हो आप। ओ भाई देख सकते हो आप इधर का नज़ारा पूरा मस्त एकदम। फोटो देख सकते हो आप इधर भारत माता का, इधर कृष्णा जी का, इधर भी भारत माँ का और इधर कृष्णा जी का। ये पूरा आप लोग देख सकते हो गाइस, मनुष्य जो इंसान होता है उसकी पुरानी आदत, जहाँ भी दिखा एकदम पूरा लिख देता है आपने क्या करें, पूरा लिखा। देखो इधर देख सकते हो गाइस अपना नाम लिख दिया, इधर देखो पूरा गंदा कर दिया लिख के। सो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। देख सकते हो ये है गेट जिसे कि हम लोग अंदर आए थे। सो अगर खैरा होगा इस तो ज़रूर यहाँ से विजिट करो। और यहाँ इसका जो नाम है गाइस ये है खैरा का गढ़ बोला जाता है इसको। हम लोग को नाम तो नहीं पता लेकिन हम लोग बचपन से यही नाम सुनते हुए आ रहे हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको ब्लॉग बढ़िया लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।